27 मई 1999 भारतीय वायुसेना के नंबर 9 स्क्वाडन जो अपने दिए हुए लोकेशन पर स्ट्राइक करने को रवाना हुआ। स्क्वाडन अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी। एयर स्ट्राइक में MiG-27 के एक एयरक्राफ्ट पर तकनीकी समस्या खड़ी हुई। एयरक्राफ्ट की इंजन खराब हो चुकी थी और इस वजह से पायलट को मजबूरन इजेक्ट होना पड़ा। सुरक्षित लैंडिंग तो हुई परंतु जगह असुरक्षित थी। जगह दुश्मनों का अड्डा था। हाथ में हथियारों से लैस पाकिस्तानी फौज की एक पेट्रोलिंग टुकड़ी भारतीय पायलट को बेरहमी से अलग से जगह ले गई। सन 1999 कारगिल युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच जो आज भी नागरिकों के जहन में है। युद्ध के मृत्यु चक्र से जीवित लौट सिपाही आज भी लोगों के समक्ष इस युद्ध की साक्षी बने हुए हैं। इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक आज भी हमें ईमानदारी और संघर्ष से मिली विजय की अमर कहानी में जीवित नजर आते हैं। इस युद्ध ने कई वीर योद्धाओं को लोगों के सामने रखा। युद्ध का माहौल किसी भयानक स्वप्न से कम नहीं होता और ऐसा माहौल में अपने देश और वहां के जीवित लोगों के लिए लड़ना यह एक निस्वार्थ और वीरता का काम है और ऐसे गुण सैनिकों में ही पाए जाते हैं। कारगिल के पहाड़ी ऊंचाई में बैठे शत्रुओं की फौज ने जगह पर कब्जा जमा रखा था। पहाड़ों की ऊंचाई में वह बड़ी सरलता से भारतीय सेना के जवानों पर आक्रमण करते थे। पहाड़ों की चोटी पर वह ऐसे बैठे थे जैसे वहां ही बस जाने का इरादा हो। भारतीय फौज के लिए जरूरी था कि दुश्मनों को वहां से खदेड़ दिया जाए। यह काम बिल्कुल भी आसान न था। पहाड़ पर से दुश्मन सेना ने हर गतिविधियों पर नजर रखा हुआ था। भारतीय सेना के लिए जरूरी था चोटियों पर चढ़कर हमला करना, लेकिन करें तो कैसे करें। जैसा ही वे आगे बढ़ते जवाब में हमला मिलता। नीचे से कोई भी रास्ता ऊपर जाने के लिए चुनते तो बदले में सिर्फ मुंह की खानी पड़ती। ऊपर चढ़ने के लिए हर प्रयास विफल हो चुका था। समय बहुत ही कम था और दुश्मनों को खदेड़ना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा ना कर पाए तो इस विफलता की पूरी कीमत भारतवासियों को कश्मीर खोकर चुकानी पड़ती। भारतीय सेना ने इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया। समाचार के जरिए इस बात को उछाला गया। विश्व भर में इस बात की चर्चा होने लगी। कई जगह इस बात की आलोचना हो रही थी तो कई जगह इस बात के बारे में कोई भी प्रकार का स्टेटमेंट देने से कुछ देश के राजनेता मना कर रहे थे। अपने बचाव में पाकिस्तान यह बयान देते फिर रही थी कि चोटी पर कब्जा किए लोगों में से कोई भी उनसे ताल्लुकात नहीं रखता, और यह भी कह दिया कि वहां पर कोई भी पाकिस्तानी सेना नहीं बल्कि आजाद कश्मीर की सेना है। भारतीय सेना के लिए मुश्किल अब बढ़ चुकी थी। चोटी पर कब्जा करने का सही मार्ग LOC से था, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर कब्जा किए हुए लोगों से कोई भी ताल्लुकात न होते यह भी कह दिया कि अगर LOC में कोई भी प्रकार की हलचल हुई तो वह पूरे हक से मिलिट्री वॉर भी कर सकती है। यह बात सही थी कि गलत हरकत पाकिस्तान फौजी कर सकती है, परंतु इस बात का प्रमाण सिद्ध करना जरूरी था, क्योंकि दुनिया यह मानकर चल रही थी कि पाकिस्तान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। काफी सलाह मशवरा के बाद यह फैसला लिया गया कि इस मिशन में वायुसेना की मदद ली जाएगी। इस ऑपरेशन में वायुसेना का सपोर्टिव यूज का काम होगा। दुश्मनों के ठिकाने को कम समय में नष्ट कर भारतीय थल सेना का मार्ग साफ करना यह भारतीय वायुसेना का काम होगा। अपने काम को अंजाम देने के लिए वायुसेना तैयार थी। हमले से पहले वह इस बात की पुष्टि करना चाहती थी कि दुश्मन की तादाद कितनी थी और उनके बंकर का स्थान भी पता लगाना चाहती थी, ताकि कम समय में उसे तबाह कर अपना काम आसानी से पूरा किया जा सके। ऑपरेशन का नाम रखा गया सफेद सागर। 11 मई से 25 मई तक इस ऑपरेशन की डिटेल स्टडीज भी की गई। 21 मई को 106 स्क्वाडन ने दुश्मनों के ठिकाने का पता लगाने के लिए एरियल रिकन्सिनेंस मिशन किया। इस ऑपरेशन में कैनबरा PR-57 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, जिसकी उड़ान विंग कमांडर CH कुलकर्णी, स्क्वाडन लीडर ए पेरुमल एंड स्क्वाडन लीडर UK झा द्वारा की गई। इस ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना भी वायुसेना को करना पड़ा। कैनबरा PR-57 पर एक मिसाइल का हमला हुआ, जिससे एयरक्राफ्ट को काफी नुकसान हुआ। जैसे तैसे करके एयरक्राफ्ट श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंची। छब्बीस मई को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली।
मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के जीपीएस नेविगेशन सॉफ्टवेयर की मदद मांगी। अमेरिका ने किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय वायुसेना ने अपना काम शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में MiG-21, MiG-23, MiG-27, Mirage 2000, MiL-MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। MI-17 हेलीकॉप्टर को MI-35 से रिप्लेस किया गया क्योंकि MI-35 10,000 फीट से ज्यादा उड़ान भरने में सक्षम न थी। MI-17 जो ट्रूप कैरिंग हेलीकॉप्टर था उसे फाइटर हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट किया गया। इस हेलीकॉप्टर में गन्स और रॉकेट लोड कर इसे तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में पहली विपत्ति आई 27 मई को जब बटालिक सेक्टर में MiG-21, MiG-27 क्रैश हुआ। भारतीय वायुसेना के नंबर 9 स्क्वाड्रन MiG-27 के पायलट फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के नचिकेता 80mm रॉकेट्स और गन्स के साथ पाकिस्तानी आउटपोस्ट पर हमला कर रहे थे। इस ऑपरेशन में समस्या यह थी कि बंकर्स बहुत छोटे थे और जगह जगह पर फैले हुए थे। हमला कहीं से भी हो सकता था। अपने पोजीशन पर काम कर रहे फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता के एयरक्राफ्ट पर स्टिंगर मिसाइल से पाकिस्तानी फौज ने हमला किया। हमले की वजह से एयरक्राफ्ट की इंजन खराब हो चुकी थी और इस वजह से पायलट को इजेक्ट होना पड़ा। इजेक्शन के बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता के बचाव में MiG-21 उड़ा रहे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन MiG-21 पर FIM-92 स्टिंगर मिसाइल का हमला हुआ। MiG-21 की परिस्थिति खराब हो चुकी थी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने रेडियो कॉल लगाते हुए कहा, हरक्यूलिस समथिंग हैज हिट माय प्लेन, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसाइल हिट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, आई एम इजेक्टिंग ओवर। इतना कहकर वह इजेक्ट हो गए। उसी समय MI-17 पर 3 स्टिंगर मिसाइल से हमला हुआ जिसमें 4 क्रू वीर गति को प्राप्त हुए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा LOC पार कर पाकिस्तान की जमीन पर लैंड हुए। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पाकिस्तानी फौज ने पॉइंट ब्लैंक पर शूट किया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा उसी वक्त वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता भी दुश्मन के घेरे में फंस चुके थे। सेना की एक पेट्रोलिंग टुकड़ी ने घेर कर बंदूक की नोक पर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता को बेरहमी से कहीं दूसरी जगह पर ले गए। इस युद्ध की सारी गतिविधियां दुनिया के सामने खुली किताब बन चुकी थी। भारतीय वायुसेना द्वारा एयरस्ट्राइक की मदद से भारतीय थल सेना ने कारगिल पर विजय हासिल कर तो लिया, परंतु लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा स्कार्दू में बंदी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता अकेले ही लड़ रहे थे। बंदी बने भारतीय वायुसेना का यह जाबाज ऑफिसर न जाने कितनी शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेल रहा था। अपने अनुभव में वह यह मान चुके थे कि शायद मृत्यु उनके लिए सही विकल्प होगा। भारतीय सरकार लगातार प्रयत्न में लगी हुई थी कि फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता सुरक्षित भारत वापस लौट आए। किसी भी युद्ध बंधक को दुश्मन सेना तरह तरह के सवाल जवाब करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तानी वायुसेना के ग्रुप कैप्टन केसर तुफेल को चुना गया। इंटेरोगेशन के समय उन्होंने पाकिस्तानी सेना को आग्रह किया किसी भी तरह से फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता को प्रताड़ित ना किया जाए, उनसे एक सिपाही की तरह ही बर्ताव किया जाए। ग्रुप कैप्टन कैसर तुफेल का यह प्रस्ताव पाकिस्तानी सेना ने स्वीकार किया। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता 8 दिनों तक हिरासत में रहे। 3 जून 1999 उनको इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस पाकिस्तान के हवाले किया गया। इंडियन बॉर्डर चेक पोस्ट अटारी अमृतसर लाहौर रोड से भारत वापस भेजा गया। इसी तरह भारत का एक बहादुर वायुसेना ऑफिसर का नाम लोगों के सामने आया और सभी ने उनके वीरता को सराहा। साथ ही साथ स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार भी किया गया। पाकिस्तानी वायुसेना के ग्रुप कैप्टन केसर तुफेल को फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखने पर दोनों देश के लोगों ने खूब सराहा। ऑपरेशन सफेद सागर में हुई कैजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना ने सुधार में काफी तब्दीलियां की। साल 2000 में रशिया के साथ सुकोई SU-30 MKI जेट फाइटर का सौदा हुआ। साल 2001 में 120 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इनिशिएट भी हुआ। यह इंडियन मिलिट्री का अब तक का सबसे बड़ा टेंडर था। डसॉल्ट रफाल
जनवरी 2012 को विजेता घोषित हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी थी कारगिल के एक अनसंग वॉरियर की। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में ऐसी ही वीरता भरी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।